नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स, मैं आपके साथ प्रेम राज। देखिए, बिहार में जो शराबबंदी कानून है इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस के जो भक्त चरण दास हैं उनसे भी सवाल किया गया, क्या जो बिहार में शराबबंदी है वो सफलतापूर्ण लागू हो चुका है? क्या कुछ कहना है इसमें भक्त चरण दास का, ठीक देखें आप इस वीडियो में। राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आप, क्या किस तरीके से देखते, चूंकि बीजेपी वहाँ फिर AIIM को भी खड़ा कर रही है, किस तरीके से देखते? क्योंकि बीजेपी MIM को तो खड़ा हर जगह कर रही है, बीजेपी का सेकंड पार्टी तो MIM है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन महागठबंधन लड़ रहा है, लड़ेगा और उस सीट को जीतेगा। एक अंतिम सवाल है, क्या बिहार में शराबबंदी सफल है? कई लोग आपके पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी कानून सफल, उसकी फायदा विकास में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों में जो शांति, अमन और चैन जहाँ तक हासिल किया गया है वो कोई कम नहीं है। इसलिए बात उठाना शराबबंदी के संदर्भ में ये व्यर्थ है। गुजरात इलेक्शन में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही? कांग्रेस हर तरह नजर आ रही है, आप कहने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, वहाँ तो आप आदमी है और नहीं, नहीं, आपकी बात लोग कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जड़ जड़ में है। आप पिछले चुनाव की स्थिति देख लीजिए और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है तो फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। बीजेपी अगर नजर नहीं आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी क्यों बखलावट हो रहा है? जब महाराष्ट्र में अभी है यात्रा तो उसका असर गुजरात में होने लगा। ठीक है सर, आपके विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी का और वो भी लगभग 50 दिन का होगा लगातार, उस संदर्भ में बातचीत होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बिहार का जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अवधेश सिंह जी हैं, कल श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख नेतृत्व ले रहे हैं, और श्री जयराम रमेश जी दोनों आ रहे हैं और उस यात्रा के संदर्भ में कोऑर्डिनेट करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर्स, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, हमारे जितने MP, MLA, मिनिस्टर और जितने सीनियर लीडर्स हैं सभी लोगों की उपस्थिति में कल भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में होगा वो समंदर मंथन की तरह आज मानवता के लिए धर्म की मंथन किया जाएगी और लगभग 20 जिले में यात्रा को पहुंचने की बात किया गया है। लेकिन यात्रा हर जिले से निकलेगी और एक प्रमुख धारा में बातचीत हुई है, अभी तक कल फाइनल होगा। ये सोचा गया है कि मंदार से निकलकर, समंदर मंथन से निकलकर हर धर्म तीर्थ स्थली जो है बिहार में, हर धर्म के दौरा करते करते बोधगया में अंत किया जाएगा। राहुल गांधी रहेंगे इस यात्रा में? यात्रा राहुल जी का जो है भारत जोड़ो यात्रा, एक लाइन दक्षिण से पूरा उत्तर तक का निर्धारित है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उस यात्रा के साथ इस यात्रा को जोड़ने के लिए हर राज्यों में यात्रा किया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो नहीं जा पा रहे हैं उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, और उस यात्रा का लक्ष्य को हासिल करने के लिए और उस यात्रा के जोड़ने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए सभी प्रकार के जाति धर्म वर्ण के साथ जो काम किया जा रहा है, जो कार्यक्रम लिया जा रहा है उसको सफल करने के लिए हर राज्यों में हो रहा है। यहाँ नेतृत्व कौन करेगा यात्रा का? यहाँ नेतृत्व सभी लोग करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, कोऑर्डिनेटर करेंगे, हम खुद भी करेंगे और जितने सीनियर लीडर्स हैं, अखिलेश सिंह जी MP हैं वो भी करेंगे, हमारे मंत्री लोग भी करेंगे, सबको चलना पड़ेगा। बोधगया में जो यात्रा का अंत होगा तो वहाँ राहुल जी रहेंगे? राहुल जी उस यात्रा में रहेंगे नहीं रहेंगे वो बातचीत किया जाएगा, अगर एक दो दिन ब्रेक होता है तो उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उस समय वो कहाँ पे होंगे। अगर वो दिल्ली से पार हो गए होंगे तो संभावना नहीं, क्योंकि जब तक वो पहुंच रहे होंगे तब हम लोग भी पहुंच रहे होंगे, इसलिए संभावना कम है राहुल जी आने। आपकी यात्रा का डेट संभावित क्या है? संभावित कल तय किया जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा यात्रा का डेट कब से शुरू होगा और कब अंत होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना भक्त चरण दास का, क्या कुछ कहना है शराबबंदी पर, उतना ही नहीं जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उसको भी लेकर कहा कि बिहार में होने वाला है, इसके लेकर हम लोग तमाम जो चीज़ को है वो देख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इंसॉर्ट के साथ, धन्यवाद।